भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने मोदी नगर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मोदी नगर के कस्बा फरीदनगर में आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों में हो रही भारी नुकसान को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आवारा पशु आए दिन किसानों पर हमला कर रहे हैं। फरीदनगर भाकियों ने आवारा पशुओं को गौशालाओं में भिजवाने के लिए सौंपा ज्ञापन और MSP गारंटी कानून लागू कराया जाए। प्रदेश में आवारा गौवंश है। गौवंश का गोबर 25 रुपए प्रति किलो खरीद कर जैविक खाद बनाकर किसानों को अनुदान पर दिया जाए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदा चौहान है। चौहान साहब आपका किसान यूनियन पद क्या है? मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का हरिनगर नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा अध्यक्ष साहब आज आप मोदी नगर आए हैं, मोदी नगर क्यों आना हुआ है आपका? मोदी नगर तहसील में हम आवारा पशुओं के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले यो को विज्ञापन सौंपा था तो यो ने हमसे कहा था कि एक नई गौशाला बननी है, एक गौशाला में पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसलिए यो साहब ने कही कि मेरे हाथ में जितना है मैं उतना कर रहा हूँ। हमारी अध्यक्ष जी से हमारे ठाकुर धर्मेंद्र जी से बात हुई थी, वो कहने लगे मैं आज तहसील पहुँच रहा हूँ, आप पहुँचो। हमारी पूरी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की टीम मोदी नगर तहसील SDM साहब को विज्ञापन देने के लिए पहुँचे। हमारे मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, हमारे जिला अध्यक्ष रोहित तोमर जी, जिला उपाध्यक्ष रिंकू तोमर जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अमरेंद्र चांद जी, हमारे मेरठ मंडल महामंत्री कुलदीप शर्मा जी और मैं कुहर सोम था, हमारे प्रचार मंत्री अमित शर्मा जी, आदित्य पाल जी, पालीवाल जी और जितने भी हमारे मोदी नगर के पदाधिकारी सब मौजूद रहे। SDM साहब से हमारा विज्ञापन देने के बाद SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं कस्बे में जाकर उनकी कार्रवाई करूँगा, देखूँगा कितने आवारा पशु हैं, उनकी लिस्ट बनवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको बहुत जल्दी इनसे निराशन कराने के लिए आपके साथ हूँ। जैसे कि सर आप कस्बा फरीदनगर से हम मोदी नगर आए हैं, हाँ जी, इससे कितने गांवों को नुकसान है, कितने गांवों के करीब 50 गांवों को नुकसान है। हमारे यहाँ नहीं, आसपास में बहुत ज़्यादा इस टाइम किसान परेशान है। जैसे कि आप तहसील माना हुआ, कितने गांव द्वारा बताया गया आपको, मतलब कितने लोगों द्वारा शिकायत की गई है? हमारे जो ब्लॉक में 35-40 गाँव है सबकी हमारे पास रिपोर्ट है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी साथ थे, उपाध्यक्ष भी साथ थे, बहुत सारी रिपोर्ट है। किसान इस टाइम इतना परेशान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फसल पकी खड़ी है, आवारा पशु तो कोई वो किसान की मजबूरी कहाँ देखते हैं। एक स्कूल के जाते समय बच्चों पर इतनी आपत्ति आती है कि भगदड़ मचती है, तो छोटा बच्चा है किस दिन ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ा हादसा हो जाए। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार बाबा योगीनाथ को कहते हुए ये कहता हूँ कि इसमें बहुत जल्दी संज्ञान से लें कि हमारे पास नहीं पूरे प्रदेश में इस टाइम बहुत ज़्यादा किसान परेशान है, क्योंकि गौ माता है ना, तो इसे हम कटनी में बेच सकते ना इसे हम पीट सकते। इसलिए मेरा शासन प्रशासन यही निवेदन है कि इसकी सब जल्दी से जल्दी बहुत प्रक्रिया करी जाए, हर जगह, हर कस्बे में, हर ग्राम में, हर नगर पालिका में इसकी व्यवस्था बनाई जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, जैसे आप फरीदनगर से तहसील में आए हैं जी, और आप कितने लोग आए हैं यहाँ पे, कितनी संख्या होगी अपनी यहाँ पर? हमारे मान के चलो कम से कम 70-80 आदमी आए हैं। 70-80 आदमी। जैसे कि आपका उद्देश्य क्या है आने का? हमारा उद्देश्य है जी, जो हमारे एरिए में जो गाँव और जो वे छोड़े जा रहे हैं तो उसके प्लेस में आए हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू तोमर है, मैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से। तोमर साहब, जैसे कि आप तहसील पाए, आप कहाँ से तहसील पाए हैं? हम कस्बा फरीदनगर से मोदी नगर तहसील पाए हुए हैं। मैं तहसील पे किस कारण में आना हुआ है आपको? तहसील पे हमारा आने का कारण है, हमारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या हमारे कस्बा फरीदनगर में हो रही है, जिससे काफ़ी लोग क्या पूरा कस्बा आसपास के गांव वाले परेशान हैं। सर इसमें कितने गांव के लोग परेशान, मतलब कितने गांव परेशान हैं आपके आसपास के? कम से कम हमारे गांव के आसपास के 30-40 गांव। कौन कौन से, क्या उनका नाम बताऊँ गांव के, दो चार? हाँ, नाम है शागनगर है, जोया है, ततड़ी है, नाहली है, कनकपुर है, किनापुर है, अमराला है, भोजपुर है। अच्छा जी, ये सभी लोग आपसे मिले हैं, इन्होंने शिकायतें की हैं? जी। ठीक है सर, जैसे कि आप तहसील पर, इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? तहसील पर आश्वासन दिया है जल्द से जल्द इस पर हमारे पशुओं को जो है सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा।
और जो है हमें SDM साहब ने आश्वासन दिया है और जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। अगर सर यहाँ से कुछ नहीं होता फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, क्या होगा अपना? अगर हमारी यह यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी हमने इन्हें दे दी और बहुत ही जल्द हम कोई ना कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर ये आंदोलन फरीदनगर में होगा, तहसील पे या डिस्ट्रिक्ट पे, कहाँ पे करेंगे आप लोग ये आंदोलन? हम मोदीनगर तहसील में करेंगे और हमने SDM साहब को भी बता दिया है कि अगर हम आवार पशु पर जो है सुरक्षित स्थान पर इन्हें नहीं भेजा गया तो जो बहुत ही जल्द हमारी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने जा रही है। जैसे कि बिजली पानी के बारे में क्या कहोगे आप? बिजली पानी की समस्या को लेकर जो हमारे कस्बा फरीदनगर में है अभी तो कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आई है, लेकिन यह है कि बिजली ट्वेल्व पर बिजली के मीटर नहीं लगाए जाएंगे। हमारी भारतीय किसान यूनियन इसका जोर तोड़ विरोध करती है और हमारे जो है भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित में सदैव खड़ी हुई है और बिजली के मीटर ट्वेल्व पर नहीं लगाए जाएंगे। और क्या मतलब क्या संदेश दोगे आप किसानों को? किसानों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि किसान जो फसल बोते हैं उनका उचित दाम उनको मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन इस पर पुरजोर प्रयास कर रही है और कि कोई भी किसान भाई किसी तरह से परेशान ना हो और उन्हें शासन प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से फसल के उचित दाम मिले। ठीक है, तो मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान। सर आज आप मोदीनगर तहसील में विज्ञापन देने के लिए आए हैं, इसका क्या टारगेट था, मतलब कहां से आना हुआ है और किस जगह पर आए हैं आप विज्ञापन देने के लिए? मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नाम है मेरा जी। मैं हमारा राष्ट्रीय कार्यालय बुलंदशहर है, मैं बुलंदशहर से अपने जिला अध्यक्ष रोहित तोमर और मेरठ मंडल उपाध्यक्ष रिंकू तोमर जी के नेतृत्व में आज एक यहाँ गाजियाबाद जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर आवारा गोवंशों से जो परेशानियों को से जूझ रहे हैं किसान, इन सब की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय मोदीनगर को सौंपा है, जिसमें हमने मांग रखी है कि सरकार यूपी सरकार ने सख्त निर्देश पूरी यूपी के लिए दिए हैं कि जहां भी जितने भी आवारा गोवंश घूम रहे हैं सबको पकड़वा कर गौशाला में भिजवाया जाए, उनकी तत्काल व्यवस्था दिखाई जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी धराधर पर काम नहीं कर रहे, इसलिए दोबारा से उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमने एक संदेश भेजने का काम किया है ज्ञापन के माध्यम से, जिससे कि उन्हें पता लगे वाकई में कि ये अधिकारी धरातल पर काम नहीं कर रहे। जब भारतीय किसान महाशक्ति ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि एक हफ्ते के अंदर आवारा गोवंशों का समाधान नहीं हुआ, तो यही भारतीय किसान महाशक्ति जनपद गाजियाबाद की मोदीनगर की तहसील या DM साहब गाजियाबाद को घेरने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की प्रशासन की होगी। पहले भी कह चुके हैं, आज फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, या तो DM साहब इस व्यवस्था को सुधरवा दें, ये किसान जो परेशान है इनसे काफी नुकसान हो रहा है, किसान की फसल तो बर्बाद होती ही, इसके साथ साथ कोई हमारा किसान मजदूर अपने बच्चों को लेकर बाइक फोर व्हीलर से या टू व्हीलर से आता है तो वो आवारा गोवंशों से रास्ते में उनके दौड़ने से उनके हुरदंग से वो टकरा जाते हैं वाहन से और वहाँ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इन सभी से निपटने के लिए इन अधिकारियों को कदम उठाना पड़ेगा, इन समस्याओं को खत्म करने के लिए इनको पकड़ पकड़ गौशाला भिजवाना पड़ेगा। और सरकार ये कहती है, अधिकार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो आज ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मांग करता है कि आवारा जितने भी गोवंश हैं या पालतू गोवंश हैं सभी का गोबर 25 रुपए किलो सरकार खरीदवाए और उस गोबर को संविदा पर कर्मचारी रखवा कर घर घर से तुलवाएं और खरीदवाएं और प्रत्येक ब्लॉक में प्लांट लगवाएं और वहाँ जैविक खाद तैयार कराएं। जब जैविक खाद तैयार हो जाएगा प्रत्येक 6 महीने बाद वो जैविक खाद किसान को अनुदान पर दिया जाए, जब वो जैविक खाद खेती में लगेगा तो हमारी मिट्टी दोबारा से ताकतवर हो जाएगी, DAP यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी, जब DAP यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी तो जैविक खाद डालने से हमारी मिट्टी ताकतवर हो जाएगी और उससे होगा क्या लाभ, चारा ताकतवर हो जाएगा, होगा जब चारे में ताकत होगी दूध के अंदर ताकत होगी, दूध के अंदर ताकत होगी तो हम सबके अंदर ताकत होगी और हमारा अन्न ताकतवर होगा तो हमारे अंदर से 80% बीमारी नष्ट हो जाएगी और सबको रोजगार मिलेगा और सरकार की जो छवि खराब हो रही है आज आवारा गोवंशों को लेकर ये भी सब बंद हो जाएगा, किसानों को नुकसान होना बंद हो जाएगा, एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। सर ये तो चलो गौ का मामला हो गया, जो बिजली पानी को लेकर क्या कहोगे आप? देखिए अभी सरकार ने
अभी निर्देश दिए थे अभी माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि 1 अप्रैल से किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन उस हमारी एक मांग और है मुख्यमंत्री जी, लेकिन मीटर नहीं लगवाओगे। जब आपने फ्री बिजली का निर्देश कर दिया तो मीटर क्यों लगवा रहे हो? मीटर खत्म करो, हटवाओ मीटर वापिस। लेकिन ये मैं सोचना कि फ्री बिजली का वादा करके और बहका के किसानों के ठोलों में मीटर लग जाए, हम मीटर लगने नहीं देंगे किसी कीमत पर। क्यों? हमने बड़े मन से और दिल से आपको चुना है योगी जी। आप ऐसे विश्व के अंदर पहले मुख्यमंत्री हो जो 36 ग्रामीणों ने आपको वोट दी, तो इसलिए दी कि मुख्यमंत्री जी हम किसानों के मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए आपसे बाबा मांग है कि बाबा मीटर भी नहीं लगवाए जाए और इसके साथ साथ जो बिल बकाया है किसानों पर आप सरकार का, उन बिलों को भी माफ किया जाए और जो गरीब किसान है, सीमित किसान है, उसका कर्जा भी माफ किया जाए। ये भारतीय किसान मन महाशक्ति मांग करती है। सर जैसे कि आप तहसील में आए हुए, कहाँ से आए हैं आप तहसील में, मतलब कौन सी जगह से हैं? गाजियाबाद जनपद की मोदी नगर तहसील में ज्ञापन सौंप कर आए हैं। वो ज्ञापन तहसीलदार महोदय और SDM महोदय के द्वारा हमने उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री बाबा जी को भिजवाने का काम किया है, जिससे कि अधिकारी जागे और मुख्यमंत्री जी को टाइट करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।